हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। यहाँ हमने ले लिया है मूंग दाल की चुनी। इसको हमने 2 घंटे भिगोया हुआ था, बहुत अच्छे से फूल गई है। और ये मूंग दाल की चुनी की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसकी हम बनाएंगे रोटी। और इसको बहुत अच्छे से हमने धुल लिया है। और इसमें डालने के लिए लिया है लहसुन और हरी मिर्च है। लहसुन और हरी मिर्च को हमने कट कर लिया। और उसके बाद लिया है गेहूँ का आटा। सबसे पहले गेहूं के आटे में लहसुन और मिर्च मिलाएंगे। अब यहाँ हम मिला दे रहे हैं फूली हुई मूंग की चुनी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला दिए। और फ्रेंड्स, इसमें पानी नहीं लगता ज़्यादा, बहुत कम पानी लगता है। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्यों इसको हाथों से हम बहुत अच्छे से मिला दे रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब थोड़े से पानी की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि अब ये थोड़ा टाइट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसी तरह से फिर से मिलाएंगे। अब दोनों हाथों के सहारे इसे हम अच्छे से गूंथ लेंगे। और आटा को हमने गूँथ लिया है। गूँथने के बाद इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अब ये देखिए 10 मिनट हो गया है, आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी हम बनाएंगे रोटी। तो रोटी बनाने के लिए हम यहाँ हमने ले लिया सूखा आटा। और अब चकई काट के सूखा आटा लगा के बेल रहे हैं। सूखा आटा लगाने से रोटी बहुत अच्छे से बनती है, बिल्कुल भी फटती या चिपकती नहीं है। और इसे हम गैस पे बना रहे हैं। ये रोटी चूल्हे पे बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इसको आज हम गैस पे बनाए हैं। गैस पे भी बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसको मीडियम आंच पे सेकना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। दोनों तरफ अलट पलट के बहुत अच्छे से सेक लेना है। और यह मूंग की चुनी की रोटी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से सारी रोटियां हमने सेंकी हैं और बहुत ही आसानी से गैस पे बन गई हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब।